9 जनवरी 1915 को जैसे ही भारत में आए, साल भर पूरे भारत में घूमे ये। उसके बाद में इन्होंने कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सत्याग्रह के आंदोलन हो गए, जैसे जिनमें से सबसे पहले चंपारण आंदोलन था नील खेती को लेकर के। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, वो भी एक इजीली एक कर दिया। खेड़ा आंदोलन गुजरात, वो भी एक इजीली हो गया था। वहां तक ये सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जाने गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि देने का कारण था कि इससे पहले भारत में जितने भी आंदोलन हुए उनमें हिंसा का प्रयोग किया गया था। शुरुआत के जो इनके 3 आंदोलन थे अहिंसात्मक रूप से सफल हो गए, सबसे बड़ी बात है। पहला आंदोलन चंपारण किसानों से रिलेटेड था, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो मजदूर से रिलेटेड था, तीसरा था खेड़ा आंदोलन जिसके तहत टैक्स से रिलेटेड थे जिनमें सभी प्रकार के किसान शामिल हो रहे थे, आम जनता शामिल थी। 3 वर्गों को शुरुआती 3 सालों में इन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके वक्तव्य को सुना, इनकी योग्यता को पहचाना और इनको महात्मा की उपाधि दी थी। शुरुआती दौर में मोहनदास के नाम से, उसके बाद में इन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। जो आज वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, ये शुरुआती दौर में जब इसका गठन हुआ था उस समय की बात बता रहा हूं। वर्तमान कांग्रेस अलग है, उस समय की कांग्रेस अलग है। उस समय सिर्फ समाज सेवी कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में ये राजनीतिक पार्टी है। 1920 में जैसे ही इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और उसी को ही असहयोग आंदोलन में शामिल कर दिया, तब पहली बार इनका वक्तव्य देशवासियों ने सुना और इनके वक्तव्य से इतनी ऊर्जा पैदा हुई। महात्मा गांधी की यही तो एक विशेषता थी, वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। इनके वक्तव्य से पूरे भारत के लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए। पहले आंदोलन होता था तो कुछ एक छोटे से क्षेत्र के ही लोग आंदोलन में का नेतृत्व करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत के लोग जिनमें पुरुष और महिला सबने एक साथ कार्य किया। 2 साल तक यह आंदोलन कंटिन्यू चला, जिसमें जो शिक्षक थे उन्होंने सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया, स्टूडेंट थे जो विद्यालयों में पढ़ रहे थे गांधी जी के कहने पे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जो बड़े बड़े वकील थे वकालत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। अब आप खुद सोचो कि वक्तव्य इनका कितना मजबूत रहा होगा उस समय। गांधी जी की यही तो विशेषता है। हम गांधी जी के नेतृत्व के बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जो करिश्माई पद्धति है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। गांधी जी ने कोई ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने कार्य किया। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का एक नींव रखी थी। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में यह था कि मातृभाषा में हर व्यक्ति को, हर एक बच्चे को 7 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, और वो जो शिक्षा दी जा रही है वो मातृभाषा में शिक्षा देनी आवश्यक है। उसमें कार्य भी हुआ था, किंतु समय के अकॉर्डिंग बहुत कुछ हमारे शिक्षा विभाग में नई नई समितियां बनी और उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। जो आज की जो नई शिक्षा नीति है, सन 2020 की शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, वो अलग शिक्षा नीति है। गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा का एक प्रारूप तैयार करके रखा था, शुरुआती दौर की शिक्षा वही थी। जो जैसे ही भारत आजाद हुआ था हमने बुनियादी शिक्षा को लागू कर दिया था 1935 से। इसके अलावा कहा जाता है महात्मा गांधी के बारे में कि क्या चरखा चलाने से हमें आजादी मिल गई थी? नहीं, चरखा चलाने, सिर्फ गांधी जी ने चरखा चला करके हमें आजादी नहीं दी थी, उनके उसके पीछे की बहुत लंबी एक रणनीतियां हैं। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उसका यदि हम गैप देखें, विश्लेषण करें, तो हर एक 10 साल के बीच में उन्होंने एक आंदोलन किया, एक आंदोलन शुरू किया, 2 साल 3 साल 2.5 साल चला वो आंदोलन, उसके बाद में उन्होंने 10 साल का गैप दिया आंदोलन के बीच में, उसके बाद में वापिस आंदोलन शुरू किया। इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण आंदोलन है नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे अमीर हो, गरीब हो, सामान्य वर्ग का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को नमक की आवश्यकता होती है और उसके ऊपर उस समय अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था, टैक्स जोड़ रखा था,
जिसके कारण आम जनता त्राही त्राही करने लग गई कि नमक के ऊपर भी सरकार टैक्स ले रही है और हमें नमक बनाने की आजादी नहीं। यहाँ तक कि भारतीय लोगों को यह भी कहा गया कि आपको अनिवार्य रूप से नमक खरीदना ही होगा। कई गरीब परिवार थे, वो नमक की जगह क्या करते थे, खारे पानी का प्रयोग करते थे अपने खाने में। नमक किससे बनता है? खारे पानी से। तो नमक खरीदने की हैसियत नहीं थी तो उन्होंने खारे पानी का प्रयोग करने लग गए। उसमें भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि आपको नमक खरीदना है और नमक के ऊपर टैक्स लागू करना। तो गांधी जी ने सोचा क्यों, ये एक अच्छा अवसर है पूरे भारत के लोगों का वापिस उत्साह करना कि अंग्रेज जो नीतियां कर रहे हैं वो नीतियां गलत है। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे कि वो क्या नीतियां कर रहे हैं। तो इसके तहत वो अपने आश्रम से दांडी जो यात्रा की थी, दांडी तक की उन्होंने जो यात्रा की, अपने 72 अनुयायियों के साथ में यात्रा की। सिर्फ इतनों का कारण था कि हर एक बात मानने वाले वो व्यक्ति थे। लगभग 400 किलोमीटर की ये जो सफर था गांधी जी ने 21 दिन के अंदर पूरा कर लिया। जगह जगह गांव में गए, लोगों को बात बताई कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सिर्फ गांधी जी ही 72 लोगों को लेकर निकले थे, किंतु उसका प्रभाव ये हुआ कि पूरे भारत में, जहां तक कि अपन दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत में इन आंदोलनों के प्रति उत्साह थोड़ा कम होता था, लेकिन किंतु नमक सत्याग्रह के तहत दक्षिण भारत भी पूर्ण रूप से गांधी जी के आंदोलन का समर्थन करने लग गया। इसके अलावा एक और गांधी जी पे आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी ने ही भारत का विभाजन करवाया। एक आरोप ये भी लगता है, इसका भी मैं खंडन करता हूं कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, किंतु उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे और गांधी जी का यही विचार था। एक बार मुस्लिम लीग की बात मान ली गई थी, लेकिन विचार यही था कि एक बार यदि इनको अनुमति दे देंगे उसके बाद में आने वाले समय में कुछ सालों के बाद में वापिस एक कर सकते हैं भारत पाकिस्तान को। किंतु बीच में नाथुराम गोडसे ने ही उनकी हत्या कर दी और उनकी ही लीला को समाप्त कर दिया। और मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।